Assalamualaikum everyone, welcome back my channel, my parrot, wifi and me. तो friends, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 9 tips to stop your parrot from biting. तो मैं ऐसे आपको 9 tips बताने वाली हूँ जिसकी मदद से आप अपने parrot की biting को stop कर सकते हो. जैसे ये मेरा पैरेट है अलेक्जेंडर, ये बिल्कुल मेरे हाथ पे आता है और मेरे फैमिली मेंबर्स के भी हाथ पर आता है. और अगर आप इस तरह चाहते हो कि आपका पैरेट हाथ पर आए और आपको काटे नहीं, बाइट नहीं करे, तो उसके लिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए, जिसमें मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी कि बचपन से ही मैंने मेरे इस पैरेट को वाईफाई को कैसे सिखाया. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक और बात शेयर करूंगी कि जो अलेक्जेंडर पैरेट है वो एक फैमिली बर्ड है. उसकी ना तो अपने ओनर से बल्कि फैमिली मेंबर से भी जल्दी दोस्ती हो जाती है. आपको अपने पैरेट को ये सिखाना है कि वो आपको बाइट ना करे. उसके लिए आपको पेशेंस की ज़रूरत है, सब्र रखने की ज़रूरत है. अपने पैरेट का मिजाज, उसकी बॉडी लैंग्वेज समझने की आपको ज़रूरत है. अगर आप सच में दिल से चाहते हो कि वो आपसे बाइट नहीं करे, तो उसकी आपको हर बॉडी लैंग्वेज का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर पैरोट अलग अलग होता है, हर पैरोट का नेचर अलग होता है. अगर आप कुछ बातों को फॉलो करें तो आप अच्छे से अपने पैरोट को सिखा सकते हो. तो चलिए जानते हैं वो कौन सी बातें हैं. तो नंबर 1, अर्ली सोशलाइजेशन. जितना हो सके पैरेट की छोटी उम्र से ही अपने पैरेट के साथ टाइम गुजारना शुरू कर दे. इस वजह से वो जल्दी इंसानों से घुल मिल जाते हैं और इनके अंदर का डर खत्म हो जाता है. अगर आपको ये जानना है कि बेबी पैरेट का डर कैसे खत्म करें, इस पे भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हूँ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. आप लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हो. और उसका डर खत्म होगा तो वो जल्दी आप पे ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देगा, बेबी पैरेट. नंबर 2, जेंटल हैंडलिंग. मतलब कि अपने बेबी पैरेट को बिल्कुल आप प्यार से हाथ पर ले, ना कि उसे पीछे से पकड़े. पीछे से पकड़ने की वजह से वो आपसे डरते हैं और इसलिए आपको वो बाइट करते हैं. अगर आप उनको प्यार से हाथ पर लोगे तो वो उनका पकड़ने वाला डर, पीछे से पकड़ने वाला डर खत्म हो जाएगा और वो आपसे टेम हो जाएगी. नंबर 3, पॉजिटिव रीफोर्समेंट. और जब अपने पैरेट को आप सिखाते हो कि काटना नहीं है और आपको ये चीज डेली करनी है, वो जब सीख जाएगा, जब आपको लगेगा कि आपका पैरेट आपको नहीं काट रहा है, वो रिस्पॉन्स कर रहा है आपकी बातों पे, तो उसको ट्रीट दे. जब आप उसकी फेवरेट चीज उसको ट्रीट में दोगे तो उसको भी वो चीज करने में और मजा आएगा और उसको ये पता चलेगा कि उसने कुछ अच्छा किया है, कि मेरा ओनर मुझसे खुश है. जैसे कि वो बगैर काटे आपके हाथ पे स्टेप अप करता है, तो उसको ट्रीट दे. नंबर 4, पेशेंस एंड टाइम. पैरेट की ट्रेनिंग में पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. आपको पेशेंस रखना होता है और हर पैरेट का सीखने का टाइम डिफरेंट होता है. कुछ जल्द सीख जाते हैं और कुछ को टाइम लगता है, जिनके साथ आपको काफ़ी पेशेंस की, सब्र की ज़रूरत होती है. जब तक पेशेंस रखना होता है जब तक कि वो ना सीख जाए. हाँ, और एक खास बात, पैरेट के बाइट करने पर, काटने पर उसको पनिश करना, इस तरीके से वो आप पे कभी ट्रस्ट नहीं करेगा, आप पे कभी भरोसा नहीं करेगा और ज़्यादा वो आपसे डरने लगेगा. इस तरह से वो उसकी बाइटिंग कभी भी नहीं छूटेंगी. नंबर 5, कंसिस्टेंसी. आपको ये करना है कि आपको डेली बेसिस पे पैरेट को ट्रेनिंग देनी है. जितना आप उन्हें टाइम देंगे वो उतना ही जल्दी सीखेगा. नंबर 6, आइडेंटिफाई ट्रिगर्स. आपको ये बातें नोटिस करनी होंगी, आपको पता करना होगा कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपके पैरेट को बाइट करने पर, काटने पर मजबूर करती है. जैसे उसका डरना आपसे, उसको ज़बरदस्ती अपने हाथों पर लेना, उसकी पसंदीदा चीज़ उससे छीन लेना, उसके रेस्ट टाइम पर उसको डिस्टर्ब करना, या फिर आपको ये चीज़ नोटिस करना है कि वो आपसे सिंपली खेल खेल में आपको बाइट कर रहा है. आपको ये सारी चीज़ें नोटिस करनी होंगी. नंबर 7, अवॉइड प्रोवोकिंग सिचुएशंस. एक दफ़ा आप ये जान ले कि कौन सी बातों से आपका बेबी पैरेट गुस्से में आता है, और जब आप जान लेंगे तो वो उस बातों को रिपीट ना करें, ताकि आपको पता चलेगा कि ये बात से पैरेट आपका गुस्सा करता है, तो आप वो चीज़ें उसके साथ ना करें. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके पैरेट को ये पसंद नहीं है कि आप उसके परों को हाथ लगाए, तो ना लगाए. उसको कॉन्फिडेंस दे ताकि वो आप पे भरोसा करने लगे. नंबर 8, प्री डायरेक्ट
बाइटिंग, यानी कि जब आप ये नोट करें कि आपके पैरेट को गुस्सा आने लगा है तो उसका माइंड किसी और तरफ आप डाइवर्ट करने की कोशिश करें, ताकि वो बाइट जो करने वाला है या गुस्से में उसको वो भूल जाए, उसका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करें। उसको आप कोई टॉय दे दे जिससे वो खुश हो जाए, इस तरह उसका गुस्सा कंट्रोल हो सके और वो बाइट जो करने वाला था उसको भूल जाए। जब कभी आपका बेबी पैरट बाइट करे उसको प्यार से नो कहे। आप ये गलत फहमी में होते हो कि हम उसको बोलेंगे तो कौन सा उसको समझ आएगा। जी हाँ, बिल्कुल समझ आएगा। जब पैरट टॉकिंग सीखता है तो एवी तो नहीं सीखता, उसको समझ आता है, वो लर्न करता है तब जाके सीखता है। जब आपका बेबी पैरट आपको बाइट करेगा तो आप उसको नो कहे, डेली कहे, जब भी वो बाइट करेगा, जब उसको प्यार से कहे कि नहीं बेटा नो, जो भी आप उसको प्यार से बुलाते हो उस प्यार से उसको बोलिए। डेली बोलने पे वो चीज़ें उसके समझ में आएंगी कि ये चीज़ उसको नहीं करनी है। नंबर 9, एस्टैब्लिश ट्रस्ट। आपके अपने पैरेट के बीच एक बॉन्डिंग बनाइए। इस जैसे कि आपके पैरेट को ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि उसका ओनर उसे बहुत प्यार करता है, जैसे कि उसको ये पता होना चाहिए कि आप उसको हाथ पे लेते हो प्यार से, उसके खाने पीने का ध्यान रखते हो, और वो सारी चीजें जो आपके पैरेट को नहीं पसंद वो आपको नहीं करनी है। इस तरह आपके और पैरेट के बीच में एक बहुत अच्छा एक ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा और एक बहुत अच्छी स्ट्रांग वाली आपकी और उसकी बॉन्डिंग बनेगी। जैसे जैसे वो आप पे ट्रस्ट करता जाएगा वो आपको नहीं काटेगा। पैरेट को बाइट करने पर कभी भी पनिश ना करे, उसको इग्नोर करे, या फिर आप वजह जानने की कोशिश करे कि उसने किस वजह से आपको बाइट किया है। मैंने जो ये पॉइंट्स बताई, अगर इन पॉइंट्स पे आप अमल करने की कोशिश करोगे तो आपका बेबी पैरेट भी आपसे प्यार करेगा और उस बाइटिंग छोड़ देगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो जज़ाकल्लाह एवरीवन।